हेलो एंड गुड इवनिंग, आई एम शुभाशीष सरकार फ्रॉम ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ऑफ SHPL शिक्षा। सो आज मैं फिर से लाइव में हूँ और एक नया प्रोडक्ट लेके, जो ऑलरेडी आप लोग जानते हो इस प्रोडक्ट के बारे में। अभी थोड़ा सा इसका पैकेजिंग भी चेंज हो गया है, इसके प्राइस में थोड़ा सा अंतर आ गए हैं। सो आज बात करेंगे सर्वश्री का जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है सर्वफिट के बारे में, जो SHPL का न्यूट्रिशनल शेक भी है और बहुत सारे लोग इसको यूज़ करके बेनिफिटेड हुए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो कुछ लोग अभी भी जुड़ रहे हैं और कुछ लोग जुड़ जाए फिर आज का जो सेशन है उसको शुरू करेंगे। सो गुड इवनिंग, यस गौतम सर गुड इवनिंग, गजेंद्र सर गुड इवनिंग। तो लाइव शुरू करने से पहले एक चीज, जैसे हर लाइव में मैं पूछता हूं, आज भी पूछ रहा हूं, क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? इज माई वॉइस क्लियर? सो इफ क्लियर प्लीज कॉमेंट मी यस कॉमेंट कीजिए अगर मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है। सो ये सर, रघुनाथ सर गुड इवनिंग, बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात होने में, सो ऑफिस आइएगा। गजेंद्र सर वेरी गुड इवनिंग, ये सम्राट सर जय सर्वश्री। सो बहुत सारे लोग अभी जुड़ गए हैं और टाइम वेस्ट ना करते हुए आज जो टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा वो है ओबेसिटी। जैसे कि आपने पोस्टर में देखा है कि ओबेसिटी मैनेजमेंट, दोस्तों ये जो ओबेसिटी है ये आज इंडिया भर में एक हाईएस्ट प्रॉब्लम, एक टॉप प्रॉब्लम के रूप से, एक हेल्थ इश्यूज के रूप से आज इंडिया भर में फैल गया है। तो एक मतलब जो सर्वे हुआ था उस सर्वे के दौरान देखा गया है कि 27 मिलियन आदमी जो है ओबीज है और बहुत सारे लोग जो ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। बच्चों को भी ये ओबेसिटी पकड़ लेता है बहुत ही बचपन में, और हम लोग देखते हैं हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे लोग जो ओबीज हैं। तो ये जो ओबेसिटी है आज के जितने भी आपका जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनमें से टॉप 5 में आता है ओबेसिटी। दोस्तों सबका ये ख्याल रहता है, सबका ये सोच रहता है कि हम लोग कैसे इस ओबेसिटी से बाहर आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से ये बोलना चाहूँगा कि ओबेसिटी जो है ये बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं ओबेसिटी हम लोगों को आते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। दोस्तों आजकल के जो खान पान है, जो भी हम लाइफस्टाइल से जी रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, ये हम मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हो। तो उससे हमको कैसे छुटकारा मिलेगा ये तो हम लोग ही तय करेंगे, क्योंकि लाइफस्टाइल जो सही से होना चाहिए वैसे हम नहीं कर रहे हैं। पहला जो इशू आते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में वो होता है ठीक समय पे नहीं खाना। सही समय पे नहीं खाते हम लोग, भाग दौड़ की जिंदगी है, काम में निकल जाते हैं, सुबह सही से नहीं खाते हैं, रात को सही ढंग से नहीं खाते हैं, दोपहर को नहीं खाते हैं, और जब भी खाते हैं मतलब एक लॉन्ग टाइम गैपिंग के बाद जब भी हम लोग कुछ खाते हैं तो बहुत सारा हम लोग खा लेते हैं। तो ये जो कारण है इससे चलते क्या होता है, आपके बॉडी में वेट पुट ऑन होते हैं, आपके बेली फैट्स बढ़ते हैं, आपके नेक में, आपके गर्दन में, आपके पेट में जो है फैट पुट ऑन होते हैं। तो इससे बचने के लिए जो आपको चीज है ओबेसिटी को कम करने के लिए, देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने लाइफस्टाइल को पहले ठीक करें। प्रोडक्ट तो है ही हमें सपोर्ट करने लिए, और बहुत सारे मतलब लोग जो हैं वो जिम जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, मॉर्निंग वॉक्स करते हैं, प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो सब कुछ हमारे सपोर्ट के लिए है। लेकिन आपको जो करना है, आपको अपने लाइफस्टाइल के ऊपर अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो वेट मैनेजमेंट में, ओबेसिटी मैनेजमेंट में ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। सो पहला चीज़ जो है लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दीजिए, सही समय पे खाइए और पानी इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए।
बिकॉज वेट पुट ऑन तब भी होते हैं जब हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म ठीक तरीके से नहीं रहता है. एंड व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म उसी को कहते हैं आपने खाना खाया और कितना समय लगा उस खाने को पचने में, उस खाने को एब्जॉर्ब होने में अपने बॉडी में. ये जो टाइमिंग है इसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म. आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म अगर सही होगा तो कोई भी वेट पुट ऑन नहीं होगा, आप एकदम सही रहेंगे. सो दोस्तों, लाइफस्टाइल को ठीक करने के साथ साथ, खान पान को ठीक करने के साथ साथ, टाइमिंग, खाने का जो टाइमिंग है ये भी सही करना है. आयुर्वेद में बोला गया है सुबह खाना है राजा की तरह, दोपहर को खाना है प्रजा की तरह, और रात को खाना है भिखारी की तरह. दोस्तों ये जो कहावत है ये आयुर्वेद शास्त्र से लिया गया है और एकदम सही मायने में प्रॉपर डाइट जिसको बोलते हैं दिस इज द वन. सुबह खाना है राजा की तरह, मतलब राजा की तरह बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं खाना है, लेकिन जो अच्छा चीज होता है खाने में, जो न्यूट्रिशियस चीज होते हैं, जो फूड में न्यूट्रिशन ज्यादा रहते हैं, आपको वो चीज सुबह खा लेना है और भरपेट खा लेना है. ज्यादा से ज्यादा लोग अभी क्या कर रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग में स्कूल रहते हैं बहुत कुछ, तो क्या करते हैं सुबह कुछ भी, एक ब्रेड हो गया, एक बिस्किट हो, कुछ भी खा के निकल जाते हैं, और लॉन्ग टाइम गैपिंग के बाद दोपहर को कुछ खाते हैं, फिर लॉन्ग टाइम गैपिंग के बाद शाम को कुछ खाते हैं, और फिर रात को घर आके हम लोग एकदम सुकून से, चैन से हम लोग भारी मात्रा में खा लेते हैं. दिस इज द फर्स्ट रीजन टू योर वेट पुट ऑन. इससे बहुत ज्यादा भारी मात्रा में वेट पुट ऑन ही होता है. सिर्फ वेट पुट ऑन होता है ये नहीं, इससे स्टोमक प्रॉब्लम्स होते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होते हैं, गैस, एसिडिटी वगैरह वगैरह सब कुछ होते हैं. पेट की जितने सारे प्रॉब्लम ये खाने का टाइमिंग नहीं होने से होता है. सो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग सही ढंग से खाना खाइए, सुबह जितना हो सके एक हेवी ब्रेकफास्ट करके निकलिए, फिर दोपहर को थोड़ा बहुत कुछ खा लीजिए, शाम को कुछ टिफिन कीजिए और रात को कुछ खाइए. बिकॉज आयुर्वेद शास्त्र बोले हैं, मैं आप फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुबह खाना है राजा की तरह, दोपहर को खाना है प्रजा की तरह, और रात को खाना है भिखारी की तरह, मतलब हाफ बेली आप इंटेक कीजिए फूड. सो दोपहर का जो आपका खाना रहेगा वो एकदम हरा भरा रहेगा, मतलब मैनी कलर्स होते हैं, मतलब बाजार में अगर जाते हैं तो मैनी कलर्स के, बहुत सारे कलर के फ्रूट मतलब वेजिटेबल्स हमें मिलते हैं, वो सब वेजिटेबल्स आपको खाना है दोपहर में. सुबह आप सीरियल लीजिए, सीरियल मतलब गेहूं हो गया, आपका छोले हो गया, मटर हो गया, ग्रीन मूंग हो गए, इसको अगले दिन सुबह आप भिगो, मतलब रात को भिगो के रखिए, फिर आप नेक्स्ट दिन सुबह उसको लीजिए, इतना सा मतलब आपके मुट्ठी में जितना आता है उतना सा आप लीजिए, फिर ब्रेकफास्ट कीजिए और पानी पीजिए, कोई एक दो फल हो तो फल लीजिए, फिर दोपहर को जो खाना आपका होगा वो वेजिटेबल से भरा हुआ होगा, बहुत सारे वेजिटेबल्स आप लीजिए, सलाद लीजिए, जो सलाद इंडियन फ्लैग की तरह होगा, यस फ्रेंड्स, जो आपका भूरा रंग का और वाइट कलर का, सैफ्रॉन कलर का और ग्रीन कलर का, ये तीन कलर मिक्स करके आप सलाद लीजिए, और लंच के दो घंटे बाद कोई एक फल लीजिए, शाम के टाइम में थोड़ा बहुत टिफिन कीजिए और रात का डिनर कीजिए. ये होता है कंप्लीट डाइट. सो डाइटिंग इज नॉट दैट आपको खाना नहीं है, आपको कम खाना है, ये डाइटिंग नहीं होता है. बिकॉज अगर आपके शरीर में, आपके पेट में अगर भूख रह जाती है, अगर आपको आप थोड़ा बहुत खाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, तो जानिएगा ये वेट पुट ऑन का पहला रास्ता है कि पेट में भूख रहेगी तो वेट पुट ऑन ज्यादा से ज्यादा होगा. तो थोड़ा थोड़ा खाइए लेकिन बारी बारी खाइए, तो क्या होगा, आपका वेट पुट ऑन नहीं होगा और लाइफस्टाइल सही से होगा. पानी 3.5 से 4 लीटर पानी डेली आपको पीना है. अभी वेट पुट ऑन का और भी कई सारे कारण होते हैं, ओबेसिटी का और भी कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि एक जेनेटिकल होते हैं, मतलब माता पिता अगर ओबीज हैं तो ये जो बच्चा होगा, ये नहीं है कि बच्चा मोटा ही होगा या बच्चा ओबेसिटी उसको होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसे ज्यादा से ज्यादा रिस्क रहता है ओबीज होने का. जिनके माता पिता ओबिसिटी में हैं, मतलब जिनके माता पिता मोटा है, उनके बच्चों को भी ये रिस्क रहता है
वो भी ओबीज हो सकते हैं, तो उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उसके स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है या थायराइड है तो आप ओबीज हो सकते हो, तो अगर डायबिटीज़ या थायराइड आपका ख़त्म हो गया तो आपका ओबिसिटी भी ख़त्म हो जाएगा। प्रेगनेंसी के बाद भी अक्सर महिलाएं ओबीज होते हैं, मोटापा आ जाता है, लेकिन अगर सही से इनटेक किया खाना, अगर सही से एक्सरसाइजेस किए तो वो ओबिसिटी भी ख़त्म हो जाएगा। और ओबिसिटी से भी बहुत सारे रोग आपको हो सकते हैं। जो लोग ओबीज हैं, जो लोग मोटापा जिनको आ गया है, उन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से लेके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से लेके कॉन्स्टिपेशन से लेके अर्थराइटिस के प्रॉब्लम, जॉइंट पेन्स ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क रह जाती है उन लोगों को। सो ये मैंडेटरी है कि आप अपने शरीर का ख्याल रखिए, आप अपने बॉडी वेट का ख्याल रखिए और ओबिसिटी को कम करने के लिए हेल्प लीजिए सर्वश्री के जो नायाब प्रोडक्ट है, जो यूनिक प्रोडक्ट है, जो है सर्वश्री न्यूट्रिशनल शेक, जिसका नाम दिया गया है सर्व फिट। सर्वजनों को फिट रखने के लिए सर्वश्री का जो नया प्रोडक्ट है सर्व फिट, ये सभी यूज कीजिए। बिकॉज सर्व फिट ऐसा एक प्रोडक्ट है जो आपके ओबिसिटी को कम करने के लिए आपको हेल्प करेगा। सो ये जो सर्व फिट है, ये 6 फ्लेवर में आपको मिल रहा है, 6 फ्लेवर में आपको मिल रहा है, और ये नया पैकेजिंग में आया है, और इस 6 फ्लेवर आपको इस बॉक्स के तहत मिल जाएगा। आपको सिंगल भी मिलेगा, ये बॉक्स भी अगर आप यूज़ कर मतलब लेना चाहते हो बिजनेस के लिए, तो ये बॉक्स भी आपको मिल जाएगा जहाँ पे ये 6 फ्लेवर्स होगा। तो आइए बात करते हैं सर्व फिट के बारे में, एंड व्हाट इज सर्व फिट। दोस्तों ये जो कम्बिनेशन है, ये जो कॉम्पोजिशन है, ये जो फॉर्मुलेशन है, ये फॉर्मुलेशन को ऐसे ही बनाया गया है कि ये आपको एक न्यूट्रिशनल अमाउंट, जो भी हमें न्यूट्रिशन लगते हैं, वो आपको एक मील का न्यूट्रिशनल अमाउंट आपको फुलफिल करेगा। जैसे कि दोस्तों कोई एक मील में, चाहे वो दोपहर का हो, चाहे वो रात का हो, या चाहे वो सुबह का हो, खास तरीके से हम इंडियंस को, जो भी हम भारतीय नागरिक हैं, हम लोग रात में ज़्यादा खाना खाते हैं। ये सभी के घर में ऐसा होता है कि कई कबार देखा गया है कि हस्बैंड नौकरी के लिए निकल गए हैं, काम के लिए निकल गए हैं, वाइफ भी निकल गए हैं, बच्चे भी स्कूल में हैं, तो क्या होता है घर में जब सभी आते हैं तो रात का ही वो समय होता है जब सभी मिलके हम खाना खाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, मतलब अच्छा डिशेस, मतलब ऐसे के मीट हो गया, ऐसा ऐसे बहुत मतलब डिलीशियस जो डिशेस होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर समय में हम रात में खाते हैं और एक साथ बैठ के खाते हैं, तो जो फूड इनटेक करते हैं हम, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों कोई एक मील में जो हम न्यूट्रिशनल अमाउंट्स लेते हैं, वो मतलब 300 से 350 या 400 से 500 कैलोरी, अगर बहुत अच्छा हेवी खाना हो, रिच खाना हो, तो 450 से 500 कैलोरी हम लोग इंटेक कर लेते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और इससे वेट पुट ऑन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो एक मील में आपके काम के अनुसार या बॉडी वेट के अनुसार, बॉडी हाइट के अनुसार, आप डेली जितने भी परिश्रम करते हैं उसके अनुसार, एवरेज में देखा गया है कि 190 से 210 या 220 कैलोरी ही एनफ है वन मील के लिए, एवरेज में मैं बोल रहा हूँ। सर्वफिट शेक क्या करता है? सर्वफिट शेक आपको वही देगा जो आपको ज़रूरत है वन मील में। तो इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन, मिनरल्स से लेके, प्रोटीन से लेके, जितना भी सारे न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी हमें चाहिए, वो सब कुछ फुलफिल करेगा सर्वफिट शेक वन मील में। सो जितने भी सारे लोग ओबीज हैं, जो भी मोटापा लेके परेशान हैं, जो वेट कमाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सर्वफिट शेक लीजिए वन टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा मोटापा है, बहुत ज़्यादा आपका वज़न है, तो आप दो टाइम भी ले सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन है वन टाइम लीजिए। रात को अगर लेंगे तो अच्छा होगा, सुबह भी ले सकते हो, लेकिन जो जिस भी टाइम में, ब्रेकफास्ट में या लंच में या डिनर में, अगर आप सर्वफिट शेक ले रहे हो, कान खोल के ध्यान से सुन लीजिए, उसी टाइम वो मील को आपको स्किप करना है।
आई रिपीट वंस अगेन, वो मील को अगर आप ब्रेकफास्ट में इसको ले रहे हो तो ब्रेकफास्ट को स्किप करना है, जो भी आप खाते हो। अगर डिनर पे आप लोग इसको ले रहे हो तो डिनर को स्किप करना है। स्किप करने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपको बोला गया आप रात में लीजिए सर्वफिट शेक को, तो अगर आप रात में इस सर्वफिट शेक को ले रहे हो तो रात में जैसे आप खाना खाते थे, जो भी दाल चावल रोटी सब्जी आप खाते थे, वो पूरा नहीं खाना है, कुछ भी खाना नहीं खाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सर्वश्री के सर्वफिट न्यूट्रिशनल शेक को ही अपना डिनर बनाना है। अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखा गया है वो गलत समझते हैं, मतलब उनको बोला गया है कि डिनर को स्किप कीजिए, तो वो क्या करते हैं 7:30 बजे अगर वो डिनर करते हैं 9:30-9:10 बजे तो वो क्या करते हैं 7:30 बजे थोड़ा 2-3 रोटी सब्जी खा लेते हैं कि मुझे तो डिनर में नहीं खाना है तो मैं शाम को ही खा जाऊं। ऐसा नहीं करना है सर। इवनिंग में जैसा आप कुछ स्नैक्स या टी कॉफी लेते हो, इवनिंग में जितना भी आप जो भी कुछ खाते थे उतना तक खाना है, और 6:30-7 के बाद तो और कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं। रात में जिस टाइम में आप डिनर करते हो 9:30-11 जिस भी टाइम में आप डिनर करते हो, उसी टाइम में क्या करना है, 1 glass ऑफ वाटर लेना है, या फिर कोई जूस लेना है, या फिर नॉन फैट मिल्क लेना है। बाजार में बहुत सारे मिल्क है, आप दुकान में जाइए उसको बोलिए नॉन फैट मिल्क या टोन्ड मिल्क, जिस मिल्क में फैट नहीं है, फैट उठाया गया है, उस मिल्क के साथ या फिर कोई फ्रूट जूस के साथ या फिर एकदम सादा पानी के साथ आप इसको मिलाइए। अब पीने का 2 तरीका होता है, कोई कोई इसको हल्का गर्म पानी में लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये न्यूट्रिशनल शेक है और ये नए पैकेजिंग में नए फॉर्मुलेशन में आया है, तो इसको लेने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा सादा नॉर्मल वाटर लीजिए, गर्म करने की जरूरत नहीं है। कोल्ड वाटर अगर लेंगे तो भी अच्छा होगा क्योंकि ये शेक है, तो शेक जब आप मिलाएंगे इसके अंदर अच्छे से मिलाना है, और फिर अगर 2-3 मिनट के लिए फ्रिज में भी इसको रख दे तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इस शेक के अंदर जितने भी सारे पाउडर के अंदर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो फूल जाएगा और अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। कोई कोई इसे गर्म पानी में लेते हैं, कोई कोई इसे ठंडा पानी में लेते हैं, लेकिन शेक लेने का जो सही तरीका है और खास तरीके से सर्वश्री का ये जो शेक आया है, जिसलिए आज फिर से इस शेक को लेके मैं लाइव में आया हूं, आप सादा पानी में या फिर ठंडा पानी में आप इसको लीजिए, ठंडा दूध में इसको लीजिए, और शेक की तरह एक डिलीशियस स्मूदी की तरह आप इसको पीजिए। सिर्फ जिस टाइम पे आपको इसको लेना है उस टाइम का जो खाना है, जो डिनर हो या लंच हो, जो मील है उसको आपको स्किप करना है। मैं आशा रखता हूं कि जैसे इसका जो खाने का नियम है मैं आप लोगों को समझा पाऊं, आप लोग समझ गए। अभी ये जो शेक है इसको लेने से क्या होगा, आपके जो वेट है वो आहिस्ता आहिस्ता लॉस होगा। और इसके साथ और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स, सर्वफिट के साथ और एक चीज, अगर 15 मिनट पहले आप लेना शुरू करें, क्योंकि सर्वश्री ने और भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसके बारे में बहुत सारा प्रमोशन भी हुआ था, लेकिन उसका यूजेज उतनी तरीके से नहीं फैला, उसका प्रोडक्ट का मोबिलाइजेशन नहीं हुआ उतने तरीके से, जिसका नाम है सर्वफ्रेश। सर्वफ्रेश एनर्जी ड्रिंक, बहुत सारे लोग ऐसे हम लोगों को फीडबैक दिया कि सर्वफिट तो हम ले रहे हैं सर, क्योंकि हम उस टाइम पे मिल नहीं ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस हो रहे हैं। तो उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यह सब ऐसे कर सकते हैं डिनर से, ये लेने से पहले, जब जिस टाइम पे आप ये ले रहे हो उससे 15 मिनट पहले आप हल्का गर्म पानी में एक कप हल्का गर्म पानी में 2 चम्मच सर्वफ्रेश का डालिए और उसको आप पीजिए। 15 मिनट बाद इसको पीजिए, 1 glass पानी या दूध में आप 2-3 चम्मच ये पाउडर को मिलाइए, हल्का ठंडा कीजिए और उसको पी जाइए। ऐसे मिलाने के बाद ही नहीं पीना है, उसको 4-5 मिनट रख देना है, क्योंकि पानी में क्या होगा, इसका जो मॉलिक्यूल्स है फूल जाएगा और इसका पूरा न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा।
मैं आशा रखता हूं आप समझ गए हो कैसे इसको लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक रेवोल्यूशन क्रिएट करते हैं सर्वश्री के ये सर्व फिट, और जो प्रोडक्ट मैंने बोला सर्व फ्रेश, वो भी आपके वेट लॉस के लिए काम करेगा, एनर्जी देगा भरपूर मात्रा में। तो ये दो प्रोडक्ट आप यूज कीजिए इमिडिएटली, और जो भी लोग ओबिसिटी के लिए परेशान हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, आप लोग इसको लेना शुरू कीजिए। रात के टाइम पे डिनर को स्किप कीजिए, शाम के बाद और कुछ नहीं खाना है, सिर्फ लीजिए सर्वश्री का ये सर्व फिट न्यूट्रिशनल शेक। यही आपका डिनर होगा आज से, और देखिएगा हर मंथ हर महीने में कैसे अपने बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। और इसी के साथ अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो एज अ हेल्थ कंसल्टेंट मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए, फ्री हैंड एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग वॉक्स कीजिए या फिर योगा प्राणायाम कीजिए, सुबह 15 मिनट रात के टाइम में 15 मिनट, जस्ट गो थ्रू द प्राणायाम। एंड कैसे प्राणायाम करना है, क्या करना है, आप यूट्यूब में जाइए, आपको पता चल जाएगा वेट लॉस के लिए क्या प्राणायाम है, क्या योगासन है, या फिर सुबह उठ के थोड़ा सा फ्री हैंड भी कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज से यूज़ करते हैं सर्व फिट शेक। अगर इसके बारे में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो, बहुत सारे कमेंट आ गए हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये सर, शैलेश सर, थैंक यू सो मच, मैं आशा रखता हूँ आप सभी इस प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हो और बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी आपको आना शुरू हो गया है। इस लाइव के जरिए एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि इस लाइव में कमेंट करके बताइए आप लोग इस सर्व फिट शेक से क्या क्या रिजल्ट पाए हो, कोई भी कस्टमर को अगर आप दिए हो तो उनके तरफ से क्या क्या रिजल्ट्स आपको मिला है, तो प्लीज़ कमेंट इन दिस लाइव। और अगर इस लाइव सेशन को अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि ये लाइव सेशंस के जरिए ये प्रोडक्ट और भी ज़्यादा मोबिलाइज कर पाएंगे आप, आपके बिजनेस में और भी ज़्यादा तरक्की होगा, तो इस लाइव सेशन को भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सबके पास इस लाइव सेशन को फैला दीजिए ताकि सर्व फिट का जो नॉलेज है ये सबके पास चला जाए। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर आऊँगा लाइव में और दूसरा कोई एक प्रोडक्ट लेके, दूसरा कोई टेस्टिमनी लेके आप लोगों के साथ, क्योंकि सर्वश्री का जो स्पीड है, सर्वश्री का जो रफ्तार है, वो रॉकेट से भी आगे निकल रहे हैं। तो हम लोगों को अगर जुड़े रहना है, हम लोगों को अगर बिजनेस में रहना है, तो सर्वश्री का जो स्पीड है, इस स्पीड से हम लोगों को भी मिलना है। तो आगे आगे बहुत सारा नया प्रोडक्ट आएगा, बहुत सारा नया प्रोडक्ट भी आए हैं। आप लोगों को और भी एक रिक्वेस्ट करना है, जितने भी सारे लोग इस प्रोडक्ट से प्रभावित हुए हैं, इस प्रोडक्ट से उनका लाभ हुआ है, जितने भी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कस्टमर्स को दे के बहुत सारा टेस्टिमनी इकट्ठा कर लिए, बहुत सारे रिजल्ट्स आपको मिल गए, उन सभी को मेरा रिक्वेस्ट है आप हमें वो टेस्टिमनी, वो रिजल्ट भेजिए वीडियो के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, टेक्स्ट करके या वीडियो खींच के। आप कोई भी प्रोडक्ट में, चाहे वो हेल्थ केयर के हो, चाहे वो ब्यूटी केयर के हो, चाहे वो पर्सनल केयर के हो, चाहे वो एग्रीकल्चर केयर के हो, वेटरनरी केयर के हो, बेबी केयर के हो, किचन केयर के हो, कोई भी होम केयर के हो, कोई भी प्रोडक्ट में अगर आप लोगों को अच्छा रिजल्ट आया है, आप लोग हमें वो टेस्टिमनी वीडियो करके या टेक्स्ट करके हम लोगों को भेजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द हम लोग टेस्टिमनी बुक पब्लिश करेंगे, हम लोग टेस्टिमनी वीडियो पब्लिश करेंगे, हमारा यूट्यूब चैनल भी बन गए हैं जहाँ पे प्रोडक्ट का वीडियोस डालना शुरू हो गए हैं, उनको फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे दिया जाएगा आप लोगों को, तो उसको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज ये जो डिजिटली प्रमोशंस हैं ये आपके बिजनेस में बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों, आज बस इतना ही, मुलाकात होगा अगला कोई लाइव सेशन में, अगला कोई नायाब और यूनिक और पैनशिय प्रोडक्ट लेके। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू एंड गुड नाइट।